जो सर आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। गर्मी का मौसम आते ही आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, रोजाना आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। फायर ब्रिगेड के समय पर न पहुंचने से आग भीषण रूप ले लेती है और लोगों की गृहस्थी व फसल जलकर राख हो जाती है। बांदा के खाई पार मोहल्ले में मुक्ति धाम के पास बिजली शॉर्ट सर्किट से लकड़ी के टॉल में आग लग गई। हवा के चलते आग चारों तरफ फैल गई। बांदा के खाई पार मोहल्ले में मुक्ति धाम के पास बिजली शॉर्ट सर्किट से लकड़ी के टॉल में आग लग गई। हवा के चलते आग चारों तरफ फैल गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, पर गाड़ी एक घंटे देर से पहुंची, जिसमें लाखों की लकड़ी जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। टॉल मालिक इस घटना में आपसी दुश्मनी के चलते आग लगाना बता रहे हैं। वहीं देरी का कारण फायर ब्रिगेड कर्मी जल संसाधन द्वारा समय पर पानी का टैंकर न उपलब्ध कराना बता रहे हैं। इधर से लगाई कोने से वो फैल गई है। ये दो तीन दिन बराबर आग यहाँ से लगाई जा रही है, लग रही है जहाँ पर में। मना कर करके बुझा भी जा रहे हैं, बुझा के कई दफा गए भी यहाँ। आज रोजे वजह से हम नहीं आ पाए, नहीं हर आधे घंटे में हमारे चक्कर लगते रहते हैं। करीबन कितने का नुकसान हो गया? ये 3 लाख के बोली की लकड़ी, 3 लाख का नुकसान है। फायर ब्रिगेड को आपने फोन किया था? हाँ जी हाँ, 100 नंबर फोन किया था। फायर ब्रिगेड ने फोन किया था आपने? नहीं हमने किया था। फायर ब्रिगेड ने फोन नहीं किया? नहीं हमने किया था फोन 100 नंबर पे। 100 नंबर कितनी है बताइए? 2 घंटे बाद आग लग गई है। छोटी गाड़ी लेके हम आए हुए हैं, बड़ी गाड़ी हमारी यहाँ आ नहीं सकती है। फायर की पानी की टंकी की मांग हम कर रहे हैं। जो ट्रैक्टर पर नगर निगम से पानी की टंकियां आती हैं और सिटी मजिस्ट्रेट से भी CFO साहब ने कहा कि पानी टैंकर भेजिए। अब नहीं उपलब्ध हो पा रहे, इसलिए हम इससे आग पर काबू नहीं हो पा रहे हैं। पानी हमको मिल जाए तो तुरंत हम इसको काबू। ये कब से समस्या आ रही है आपको? हमको काफी दिन से इस गर्मी में पूरी समस्या आ रही है कि जल संस्थान से भी हमारे वाटर टैंकर भरने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। रात बिरात हम लोग परेशान होते हैं। जब 2 घंटा 1.5 घंटा उनको उनका दरवाजा खटखटाते हैं, तब जाके कहीं खोल के हमारी गाड़ी में पानी भरते हैं। तो इस गर्मी के सीजन में लगातार 18 आग, 20 आग, 25 आग डेली लग रही हैं और पानी के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हमें समय से पानी नहीं मिल पा रहा। कहीं कई चिट्ठियां दी गई हैं, अब कई चिट्ठियां जल संस्थान में दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि अभी व्यवस्था करा देंगे, यहाँ लगवा देंगे पॉइंट, वहाँ लगवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक पॉइंट लगवाए भी तो वो एक भी दिन नहीं चला, उनका ध्वस्त हो गया। पेशा बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट।